देखिए वही नंबर है, और यहाँ पे नया वाला नाम जो अभी हमने यहाँ पे एडिट करके डाला है वो यहाँ पे शो होने लगा है आपके सामने। यहाँ पे सारा कुछ करके बताया है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रू कॉलर में नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ट्रू कॉलर में नाम गलत शो होता है, या फिर उनका नाम यहाँ पे ओरिजिनल ही दिखा देता है। तो कई सारे लोग चाहते हैं यहाँ पे मेरा ओरिजिनल नाम यहाँ पे शो नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्रू कॉलर में नाम को आप कैसे एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से वहाँ पे नाम को कैसे रख सकते हो। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस फोन में देखते हैं कॉल करके, और देखते हैं कि अभी यहाँ पे कौन सा नाम शो हो रहा है और एडिट करने के बाद कौन सा नाम यहाँ पे शो होता है। तो देख सकते हैं अभी इस वाले फोन से हम ये वाले फोन में कॉल करके देख लेते हैं। तो अभी इसका नंबर यहाँ पे डायल होगा, उसी को देख सकते हैं यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और जैसे ही हमने कॉल किया, देखिए यहाँ पे कॉल अभी जाएगा, तो देख सकते हैं कॉल आ चुका है, और देखिए साइलेंट कर दिए। और देखिए यहाँ पे इस फोन में शहजादी यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है, और ये इनका ओरिजिनल नाम है। तो ये चाहती हैं कि इनका नाम यहाँ पे ओरिजिनल शो नहीं हो। तो चलिए इस नाम को एडिट कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी सबसे पहले इस कॉल को काट देते हैं, और इस फोन में ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इस फोन में अभी ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड नहीं है। आपके फोन में तो पहले से ही डाउनलोड होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे ट्रू कॉलर ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कैसे आपको नाम यहाँ पे चेंज करना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चूज करने के लिए बोल रहा है कि आपका डायलर कौन सा रहेगा, तो ट्रू कॉलर ही कर देते हैं। यहाँ पे फ़ोन भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद कंटिन्यू करना है, ये कुछ परमिशंस ले रहा है, तो यहाँ पे सबको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्च हो रहा है नीचे में, तो यहाँ पे गूगल से यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो हम लोग गूगल से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल चुके हैं, और यहाँ पे वेरीफाई माई नंबर पे क्लिक कर देना है, और फिर कन्फर्म कर देना है। और देख सकते हैं यहाँ पे शायद OTP यहाँ पे एग्री करना है, तो एग्री कर देते हैं। और अब यहाँ पे OTP शायद आएगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है, OTP तो नहीं आया लेकिन कॉल से ही हो गया। और अब देख सकते हैं फिल इन मैन्युअली, यहाँ पे गूगल से भी हो सकता है, फेसबुक से भी हो सकता है, और मैन्युअली नाम भी डाल सकते हैं, जो गूगल में नाम होगा या फिर जो फेसबुक में नाम होगा उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिल इन मैनुअली में जाना है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम को डाल देना है, तो वहाँ पे वो शहजादी नेम शो हो रहा था, अभी यहाँ पे शुभम कुमार हमको डालना है, तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं शुभम, KUM कुमार। तो देख सकते हैं शुभम कुमार यहाँ पे डाल दिए, और ईमेल का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन खुलता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आया है, तो नेक्स्ट करते हैं और फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो यहाँ पे डोंट आस्क अगेन कर देते हैं और गो इट कर देते हैं। और अब यहाँ पे बैकअप के लिए पूछ रहा है, तो हम बैकअप नहीं करना है, लेटर कर देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ट्रू कॉलर यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। और चलिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल करके देखते हैं वही नंबर पे कि मेरा नाम अभी जो एडिट किए हैं वो शो हो रहा है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे कॉल कर लिए हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं प्रिंस कुमार लिखे, तो ये वाला नंबर नाम यहाँ पे इसका, ये वाले फोन का प्रिंस कुमार इसमें शो हो गया, और शहजादी जो पहले लिख रहा था वो अभी भी लिख रहा है, मतलब कि अभी भी यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ है। हमने इस फोन में चेंज तो कर लिया है, लेकिन अभी भी दूसरे के पास पुराना वाला ही नाम जा रहा है। तो चलिए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अभी इसको कैसे ठीक करना है। तो कॉल को यहाँ पे कट कर दिए,
और देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम अपना नाम को चेंज कर लिए हैं ट्रूकॉलर ऐप में। चलिए फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, इस वाले प्रोफाइल में ये आदमी जैसा आइकन बना हुआ है इसमें जाना है और कंप्लीट योर प्रोफाइल में जाना है, इसमें जाना है और देख सकते हैं शुभम कुमार यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। फिर भी अभी कॉल किए तो यहाँ पे पुराना वाला ही नाम शो हो रहा है, क्योंकि अभी हम इसमें कॉल किए थे जो इसमें शहजादी नाम शो हो रहा था वो कहीं ना कहीं ट्रू कॉलर वो नंबर को इसी नाम से जानने लगा है और वो इतना जल्दी यहाँ पे चेंज नहीं कर पाता है। हमने इस वाले फ़ोन में तो चेंज कर दिया नाम, लेकिन इस वाले फ़ोन में अभी चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को वेट कर लेना है 24 घंटे या फिर एक दो दिन रुकना है, वो अपने आप ही यहाँ पे इसमें भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये फेक वीडियो है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो चलिए उसका प्रूफ भी यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं कि इस वाले फ़ोन में इसको लॉक खोल लेते हैं, इस वाले फ़ोन में जो ट्रू कॉलर है उसका सारा डाटा यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और तब कॉल करके देखते हैं कि नाम चेंज होता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम सेटिंग में जाते हैं और एप्लीकेशन में चले जाएंगे, एप्लीकेशन मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे ऐप लिस्ट में जाते हैं। आपके फ़ोन अगर दूसरा कंपनी का है तो जहाँ पे सारा ऐप रहता है वहाँ पे चले जाइएगा। अगर आपको तुरंत से चेक करना है आपका नाम चेंज हुआ या फिर नहीं तो ये करिए। तो देख सकते हैं ट्रू कॉलर में गए और यहाँ पे स्टोरेज यूजेज में गए और यहाँ पे क्लियर कैश पे जाना है और यहाँ पे क्लियर डेटा पे जाना है और ओके कर देना है। तो जैसे ही हमने ओके कर दिया है अब यहाँ पे ट्रू कॉलर यहाँ पे जो सारा डेटा पहले नाम जो सेव किया हुआ था वो यहाँ पे सारा हट जाएगा। तो चलिए इसको ट्रू कॉलर को अब खोल लेते हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है और फिर से ये वेरिफिकेशन करेगा। तो चलिए इसको अब स्टार्ट कर देते हैं फिर से दोबारा नए सिरे से। तो अलाउ कर देना सभी को और फिर से ये लॉगिन हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते फिर भी आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, या फिर आप अगर इस फ़ोन में नहीं दूसरे के फ़ोन में इस फ़ोन से कॉल करेंगे तो नया वाला ही नाम जाएगा, पुराना वाला नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लेटर कर देते हैं और देख सकते हैं शायद अभी शुभम कुमार यहाँ पे देख सकते हैं वही नंबर यहाँ पे शुभम कुमार लिखा हुआ आ चुका है। तो चलिए अभी इसको लॉगिन हो चुका है, अब वही नंबर को फिर से हम कॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे पुराना वाला नाम शो होता है या फिर नया वाला। तो अभी देख सकते हैं कॉल कर दिए तो देख सकते हैं वही नंबर है और यहाँ पे देखिए वही नंबर है और यहाँ पे नया वाला नाम जो अभी हमने यहाँ पे एडिट करके डाला है वो यहाँ पे शो होने लगा है। आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ करके बताए हैं, आपका भी प्रॉब्लम यहाँ पे सभी सॉल्व हो चुका होगा। अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका भी नाम चेंज हो गया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।